तेरे पार्टनर ने मुझे एक डील ऑफर किया और मैं सोच रहा था उसे एक्सेप्ट कर लूँ। दोस्त है तू मेरा, इसलिए बताने आया हूँ। यूज कर रही हो तुझे? उसे एक चीज चाहिए और उसके बदले वो अमृता की मेमोरी को वापस ले आएगी। चाहिए ना, अमृता फिर से मेरी हो जाएगी। ऐसा क्या है रणधीर के पास जो दिशा को चाहिए? रणधीर बहुत स्मार्ट है, लड़कियां वैसे ही बेवजह उसकी फैंस हैं। कहीं अपना चार्म यूज करके उसने दिशा को फंसा तो नहीं लिया? कहीं दिशा अमृता की याददाश्त वापस ना ला दे। नहीं, मैं अमृता को नहीं खो सकता। दिशा से बात करनी पड़ेगी। मैं अभी आता हूं। हेलो, हाय दिशा। मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। तुम कैफे पे आ सकती हो क्या? कूल, बाय। सर, अगर हमने अमृता मैम को ठीक नहीं किया तो अंश उनके साथ कुछ भी कर सकता है, यू नो इट। सर, मैम को ठीक करने का एक ही सलूशन है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट आई डोंट गेट इट। आप कर क्यों नहीं रहे हो? सर प्लीज कर लो ना दिशा के साथ टीम अप। देखो, मैप के दो पार्ट से एक पार्ट आपके पास है, एक पार्ट दिशा के पास है। दोनों पार्ट्स को मिलाओ, ढूंढो रत्न की तरह, वो रत्न ही सलूशन ना, उसी से मैम ठीक होगी, अमृता मैम। देखो, अगर आप टीम अप नहीं करना चाहते हो ना, तो एक बात समझ लो, आपको ना अंश और मैम के रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अमृता मैम को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। आप कर पाओगे? लेकिन बेबी, उस अश्वत्थामा के रत्न तक पहुंचने का रास्ता बहुत डिफिकल्ट होगा यार, बहुत डेंजरस है वो रास्ता। यार मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े क्रिएचर से लड़ लोगे, हैवान से लड़ते रहते हो, लेकिन ये आपको बड़ा डेंजरस लग रहा है। उस जगह जाने के लिए डर नहीं रहा हूँ, मैं बस एक बात से डर रहा हूँ। पता नहीं यार, इस दुनिया में कितने इंसान होंगे, कितने लोगों को अश्वत्थामा का रत्न हासिल करना होगा। गोविंद अंकल वो रत्न चाहते हैं, दिशा उस रत्न के पीछे पड़ी हुई है। अश्वत्थामा का रत्न ना बहुत पावरफुल है यार, उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। इट्स रियली डेंजरस। तूने हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब जब पैसों के लिए या पावर के लिए लड़ाइयाँ हुई है ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ हुई है, डिस्ट्रक्शन। और मैं ये नहीं होना देना चाहता यार। बट आपका मोटिव तो वो नहीं है ना, आप उससे बुरे इंटेंशन से ढूंढ रहे हो, आप तो अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, आप तो मदद करना चाहते हो ना अमृता मैम की। अगर वो रत्न मिलेगा तो आप मैम को ठीक करोगे, तो प्रॉब्लम क्या है? किसी और तरीके से अमृता की मेमोरी ठीक हो जाती ना वो, तो भाई मैं ना उस अश्वत्थामा के रत्न तक पहुंचने वाला मैप है ना, उसे जला देता, ताकि जिया, गोविंद अंकल, दिशा जैसे मतलबी और सेल्फिश लोग ना वहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। सर, हमारे पास एक ही सलूशन है, आपको इस डेंजरस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, जैसे अर्जुन को भी चलना पड़ा था महाभारत में। सर, अच्छाई के लिए ना मैं बुराई से डील करना ही पड़ता है, आप ही ने बताया था ना। सर प्लीज कर लो, सर प्लीज प्लीज दिशा से टीम अप कर लो, मैम को ठीक कर लो यार। क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है? ये उस नर्स का बैग है, तू अपने कमरे में क्यों ले आया? अरे कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? रुक जा, रुक जा। मुझे जवाब चाहिए मां, मुझे जवाब चाहिए। दिशा से पूछकर देख लिया, उसने कुछ नहीं बताया। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि सच क्या है, वरना इस बात के बारे में सोच सोच के पागल हो जाऊंगा मैं। अंश, क्या हुआ? जब से आए हो तब से देख रही हूँ कि तुम खोए हुए हो, कुछ टेंशन है तो मुझे बताओ। नहीं जान, तुम मेरे साथ हो और मुझे टेंशन हो सकती है? नॉट पॉसिबल। वन एप्पल जूस प्लीज। सर, मैम, हमारे कैफे का एक पुराना बिलीफ है, जब दो लोग एक साथ एक ही ड्रिंक ऑर्डर करते हैं ना, तो उनकी पार्टी बड़ी रॉकिंग होती है। इसका मतलब कुछ अमेजिंग होने वाला है आप दोनों के साथ, सो गुड लक। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरा ऑर्डर चेंज कर दीजिए, मुझे एप्पल जूस नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी एप्पल जूस नहीं चाहिए। तो फिर क्या दूं आप दोनों को? ऑरेंज जूस। हम एक चाहत एक, दर्द भी एक, मिलता दोनों के दिल का ये हाल है। कौन हूं मैं तुम्हारा, फिर क्यों तुम्हारे दिल में ये सवाल है? कह
कहा था ना तुझे अमृता से दूर रहने के लिए, अपनी ये बकवास शायरी और अपना स्टाइल कहीं और जाके दिखा। अमृता के पास आने की दोबारा तूने कोशिश भी की तो छोड़ूंगा नहीं। चलो अमृता। ये तो मैं हूं, ये मेरी पत्नी प्रज्ञा, ये मेरी दूसरी बेटी। ये तस्वीर दिशा के सामान में कैसे? मतलब दिशा तेरी दूसरी बेटी? मुझे दिशा से बात करनी है माँ। दिशा? ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो घर पर होना चाहिए ना, पापा की देखभाल करने के लिए। ये क्या? डोंट वरी, मैं बात करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। रुको, बाहर चलो यहाँ से, अमृता के सामने बात नहीं करनी। हे ब्यूटीफुल, इतनी हैपनिंग पार्टी में इतनी गॉर्जियस यू, अकेली हो? सो सैड। आओ डांस करते हैं, हम और तुम। ना तो मैं अकेली हूँ और ना ही मैं सैड हूँ, मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। गेट लॉस्ट। हस्बैंड? फिर तो उतरी हुई शक्ल, आई कैन अंडरस्टैंड। ब्लडी फूल। आज मैं दिशा से बात करके ही रहूंगा, उसे पूछ कर रहूंगा कि वो मेरी बेटी है या नहीं। उसे बताना ही होगा कि वो फोटो उसके बैग में कहां से आया। धर्म, अगर ये बात सच साबित हो गई कि दिशा ही तेरी पहली बेटी है, तो फिर से वो कड़वा सच सामने आ जाएगा, और अब उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मेरी। Hey, come on, अकेले अकेले कितना बोर होगी, आओ डांस करते हैं। ओए, ना ये कभी अकेले थी और ना ही कभी अकेले रहेगी, मैं हमेशा इसका साथ दूंगा। और तू एक काम कर, कोई दूसरी डांस पार्टनर ढूंढ ले, चल निकल। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में आने की? मैं चाहती तो उसका मुंह तोड़ सकती थी, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये डायलॉग वाह क्यों नहीं मारा? क्या कर रही हो मेरी भाव में? फिर आओ। कूदना बंद करोगे? छुड़ाओगे इसे? मेरी मदद करोगे? अरे अरे अरे, वाह वाह वाह, अभी बोला कि मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है और अब कह रही हो हेल्प करो मेरी। मैं क्यों हेल्प करूं? तुम खुद करो ना। तुम सच्ची डिस्गस्टिंग हो, यूज़लेस। एक साइंटिस्ट के बेटे और इतने बड़े आवारा और कैसनोवा किस्म के। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी डिसेंसी होती ना, या तुम थोड़े से भी नॉर्मल होते ना, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस कर सकती थी, जैसे कि तारे क्यों चमकते और समथिंग लाइक दैट, बट तुम, यू आर यूज़लेस। एक बात बताओ, तुम एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो? मतलब डू यू रियली बिलीव कि ये प्लैनेट्स और स्टार्स हमारी किस्मत बदल सकते हैं? यप्पा। व्हाट? रियली? तुम एक साइंटिस्ट हो, मुझे लगा तुम मुझसे कहोगे कि ओ शट अप अमृता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन तुम तो नहीं।
एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास नहीं, साइंस। जानती हो बचपन में मेरे डैड ने मुझे क्या सिखाया? और ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है, ये जो आसमान में हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते ना, ये होते ही नहीं है, बस इनकी चमक होती है। जानती हो क्यों? क्योंकि ये तारे जो है ना, इतने दूर होते हैं कि इनकी चमक पहुंचने से पहले ये टूट के खत्म हो जाता है। इंसान की लाइफ में भी कई बार ऐसा ही होता है, जो चीजें उसे दिखाई देती है वो कभी कभी उसे समझ ही नहीं पाता। जैसे शायद तुम मुझे नहीं समझ पा रही, मेरा सच नहीं जान पा रही। हो सकता है जब तक तुम्हें मेरा सच पता चले, मैं भी टूटते हुए तारे की तरह। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने तुमसे ये बात पहले भी की है तारों के बारे में, तुम और मैं? शायद अमृता की मेमोरी वापस लाने के लिए मुझे अश्वत्थामा रत्न की जरूरत ही ना पड़े। शायद शायद सिर्फ मेरे प्यार ही इसके दिल की यादों को फिर से जगा सके। यू राइट, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसी ही रात थी, खुशी का माहौल था, हम दोनों एक दूसरे के इतने ही करीब थे, और मैं और तुम हम बनने वाले थे उसी रात से। और उस रात को भी तुम मुझसे ऐसे ही नाराज थी, और फिर हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हो गई। लड़ते लड़ते, झगड़ते मनाते, हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। वी फेल इन लव। क्या कह रहा था रणधीर? ये मुझे क्या हो जाता है उसके पास आते? ऐसा क्या है मेरे अतीत में जो मुझे रणधीर से इस तरह छोड़ता है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, सिर्फ एक अजीब सा एहसास क्यों है? तो इसलिए जिया को और उसके डैड को वो रेड डायरी चाहिए। अश्वत्थामा रत्न तक पहुंचने का मैप है उसमें। यस, और वो रत्न मुझे चाहिए। किसी भी हाल में मुझे उस रत्न तक पहुंचना है, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की थी अंश, ताकि जब टाइम आए तो तुम मेरी हेल्प करो। एक मिनट, जैसे कि तुमने कहा कि रेड डायरी में मैप है और रेड डायरी रणधीर के पास है, तो आई गेस इट्स वेरी सिंपल फॉर यू कि तुम रणधीर को वशीकरण करो और उससे वो डायरी ले लो। ये क्यों नहीं किया तुमने? मैं बेवजह कुछ नहीं करती अंश। कब किया, क्या किया, कैसे किया, क्या वजह है, ये सारी डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ इतना जान लो कि मैं उन लोगों को तड़पाना चाहती थी, दुख देना चाहती थी। जस्ट लाइक यू, तुम भी तो यही चाहते थे, नहीं? रणधीर और मैं एक साथ इतने खुश, how is this possible? Excuse me. जी? ये सारे photographs, ये happy जगहों पे happy लोग ऐसे ही happy pictures क्लिक करवाते हैं। आपको नहीं याद आपने कब लगाई थी? तो आपके पार्टनर ने लगाई होगी। It is so sweet. ये सब क्या हो रहा है? How is this possible? अंश कहाँ है? क्या क्यों नहीं आ रहा है? उस रत्न में इतनी पावर्स हैं, अगर उससे अमृता की याददाश्त वापस आ गई तो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे रणधीर की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उस मैप का आधा हिस्सा चाहिए जो रणधीर के पास है। और जैसे ही वो आधा हिस्सा मिल जाएगा, सिर्फ दो विनर्स होंगे, एक तुम और एक मैं। क्या सोच रहे हो अंश? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैप को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए ताकि अमृता की मेमोरी आने का कोई चांस ही ना बचे? एक बात याद रखना अंश, अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस या डिच करने के बारे में सोचा भी ना, तो अमृता की मेमोरी वापस आए ना आए, लेकिन मैं तुम्हारी मेमोरी से अमृता को हमेशा के लिए गायब कर दूंगी।
इस गेम में तुम तब जीतोगे जब मैं जीतूंगी, समझ गए ना? मैं तुम्हें चॉइस नहीं दे रही हूँ। मेरी हेल्प करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। मुझसे दुश्मनी मतलब नो अमृता, तो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो। जिया, हाय अंश, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, इससे भी बेटर ऑफर। गॉड, इसमें तो रणधीर सर और आप, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। इस फोटो में रणधीर और मैं कैसे खुश नजर आ रहे हैं एक साथ, बिल्कुल एक हैप्पी कपल की तरह। जब भी मैं रणधीर के पास होती हूँ मुझे एक अलग सा एहसास होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे अंश से बात करनी होगी। अंश, तुमने अंश को देखा? अंश कहाँ है? नो आइडिया। बाय द वे, तुम घर के बाहर क्यों? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए, पापा का ख्याल रखना चाहिए। I'm really sorry, वो सो रहे थे तो मैंने सोचा एक कॉफी, मैं बस घर ही जा रही हूँ। प्लीज। या फोटो इस शक के बारे में अंश को बताना होगा। अरे सर, आप यहां पे क्या कर रहे हैं? सर वैसे आपको यहां पे नहीं आना चाहिए था, आपकी तबीयत खराब है काफी वीकनेस है, और वैसे भी ये यंगस्टर्स की पार्टी है। यहां मैं अपनी बेटी यानी तुमसे मिलने आया हूं। ये क्या है? मैं जानता हूं तुम कौन हो, अभी तक तो सिर्फ हल्का सा एहसास था, पर अब मुझे यकीन हो गया है तुम मेरी बेटी। ओहो, एहसास, वाव, तो अब सडनली प्यार भी उमड़ने लगेगा ना? वैसे चलो अच्छा है आपको पता चली गया, वरना आज नहीं तो कल मैं खुद आपको बता देती। बेटा बस, मुझे बेटी बेटी कहने की कोई जरूरत नहीं है, नफरत है मुझे इस वर्ड से, नफरत है। अगर इतनी ही नफरत थी तो फिर यहाँ लौटकर क्यों आई? जो बीत गया उसे दोहराने? दोहराने? आपको आज भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें सारी गलती मेरी माँ की थी? मेरी माँ गलत नहीं थी, मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। अच्छा, वो गलत नहीं थी तो फिर कौन था गलत? उस वक्त जो कुछ भी हुआ तुम्हारी माँ ने किया था। हम सबकी जिंदगी नरक बना दी थी उसने। Enough! मैं अपनी माँ के खिलाफ एक और वर्ड नहीं सुनूंगी। गलती आप लोगों की थी, आप लोगों ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मुझे और मेरी मॉम को सफर करना पड़ा। अगर हमसे कोई रिश्ता बनाकर नहीं रखना चाहती थी तो जवाब दो, क्यों आई हो यहाँ, क्या चाहती हो हमसे? बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी भी। बेटा बस, आपको एक बार में समझ में नहीं आता,
मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती आपके साथ। देखा धर्म, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, प्रज्ञा जैसी खुद थी इसे भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। मैंने सोचा था वो बुरा वक्त कभी लौट के नहीं आएगा, पर इसका आना उस तूफान की चेतावनी है धर्म, जो उस वक्त पूरी तरह से थमा नहीं था। पता नहीं दिशा के रूप में वो अब क्या उजाड़ कर ले जाएगा। डिसाइड तुम्हें करना है, मैप को चलाना है या अश्वत्थामा रत्न को ढूंढने में मेरी हेल्प करनी है। चॉइस इज योर्स। और हाँ, उस मैप का आधा हिस्सा मेरे पास है। क्या सोच रही हो नयन? दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, दर्द होगा और फिर बाद में मुझे ही दबाना पड़ेगा। क्योंकि मैं सोच रही थी हम अपनी पूरी जिंदगी किसी ना किसी पर डिपेंडेंट रहे, पहले रणधीर पर, अब जिया पर, और इस चक्कर में हमारी मीशू पागल हो गई। केके, मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। केके, जहां से मैं देख रही हूं ना, वहां से अपना फ्यूचर बहुत डार्क दिख रहा है। जस्ट रिलैक्स, ओके? ये लो, सब कुछ अच्छा दिखने लगेगा। एक बात कहूं तुमसे, देखो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ या इनफैक्ट हो रहा है, इसकी वजह भी तो हम ही है ना, और कोई नहीं है यहाँ टिके रहने के लिए। तुमने क्या कुछ नहीं किया, भूल गई? So, why blame others for our own action? Really, Kik? तुम्हें सारी प्रॉब्लम मुझ में नजर आती है। ये सब मैंने किसके लिए किया? Have you ever realized कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी फैमिली की भलाई के लिए किया, तुम्हारे लिए किया, मीशू के लिए किया। लेकिन अब मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हमें सबसे पहले उस अश्वत्थामा रत्न तक पहुंचना है, किसी भी तरह से। जैसे ही वो रत्न हमारे हाथ लगेगा, हम अपनी मीशू को ठीक करेंगे और उसके बाद उस रत्न को एक ऐसे आदमी को बेचेंगे जो हमें उसकी सबसे ज्यादा कीमत देगा। और फिर देखना, उस दिन के बाद से हमें जिंदगी भर किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अंश, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं, कहां थे तुम? मैं तुम्हें वार्न करना चाहती थी कि अमृता को डैड, ये तो वही लड़की है जिसने वशीकरण किया था। हेलो बेटा, इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम, दैट्स सिंपली फैंटास्टिक। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था तुमसे मिलने का। वेलकम गोविंद। दिशा, आखिरकार हम मिली गए। मनीष कहाँ चला गया, वापस क्यों नहीं आया अब तक? हेलो सर, सर आप प्लीज दिशा के साथ टीम अप कर लो ना। हाँ देखो, अगर आप टीम अप नहीं करोगे ना तो वो जिया के साथ टीम अप कर लेगा। आप इमेजिन करो, अगर जिया और दिशा मिल गए तो वो लोग साथ में कितने पावरफुल हो जाएंगे। हाँ सर, उसने आपको 12 बजे तक का टाइम दिया ना, अभी भी 5 मिनट बाकी है सर। लेकिन बुराई का साथ देकर नहीं। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय अमृता। हाँ आई ओके? क्या हुआ तुम्हें, किसी ने कुछ किया तुम्हें? बोलो क्या हुआ, मैं पानी लेकर आता हूँ, रुको। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं 2019 के खत्म होने में और 2020 के शुरू होने में। आई विश ये न्यू ईयर आप सबको बहुत सारी खुशी दे,
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे और आप जिनकी बाहों में हैं उनका बहुत सारा प्यार मिले। Just hit the floor, guys. Come on. सुनो, ठीक हो ना? आज की रात कोई भी अकेला नहीं रहेगा, हर हाथ में किसी का हाथ होना ही चाहिए। Come on, guys. What are you waiting for? Just hit the floor. हाथ पकड़ो. Come on. Yes. Woo! देखो, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब कायनात ही हमें मिलाने की सिचुएशंस क्रिएट करी है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? डांस तो करना ही पड़ेगा ना? तुम्हें भी कुछ फील हो रहा है ना? कुछ महसूस कर सकती हो तुम? मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। रणधीर, मैंने यहाँ एक वॉल पर हमारी फोटो देखी, जहाँ पर तुम और मैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही हैं। मुझे सच और झूठ में फर्क नहीं पता चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। I know. तुम्हारे दिमाग में बहुत बहुत सवाल चल रहे हैं, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उनका जवाब मैं नहीं दूंगा, उनका जवाब तुम्हें तुम्हारा दिल खुद देगा। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन अब इन फीलिंग्स को मैं और नहीं छुपा पा रही। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब तुम मेरे करीब होते हो, जब तुम मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हो, जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तो मुझे अपनापन लगता है। अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, एक तसल्ली मिलती है। देख, ये सब सही नहीं है, मुझे ऐसी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। मैं अंश की वाइफ हूँ, ये सब गलत है। अमिता, कुछ गलत नहीं है, तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है, तुम इन सारी चीजों का जवाब ढूंढ रही हो। यही तो प्यार है, और प्यार कभी गलत नहीं होता, कभी नहीं। मैं तेरा बन जाऊंगा। So guys, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Guys, अब आप सभी अपने पार्टनर्स को जोर से कस के हग करें और उनको एक मेमोरेबल किस देकर इस मोमेंट को सील कर दें। Come on, make this new year a blast. Come on, just hug your partners. ये सब गलत है। हमने तो कुछ गलत नहीं है। अंश और ये लोगों ने तुम्हारे दिमाग में ये सब गलत चीजें डाली हैं। अंश तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। No. मैं और तुम हम हैं अमृता। मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। नहीं अंश, मैं अंश की वाइफ हूँ, ये सब ये सही नहीं है। तुम दूर रहो मुझसे। सर, आप तो ऐसे स्माइल कर रहे हो मतलब अमृता मैम तो आपको अभी प्रपोज ही करके गई है। और कह के कि हाय रणधीर, मुझे तो सब याद आ गया। हाँ, एक मिनट, आपने दिशा के साथ टीम अप कर लिया क्या? अब दोनों साथ में हो आप, है ना? नहीं बेबी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जी एक मिनट, क्या प्लान है यार आपका? बहुत सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, कई क्रिएचर्स मॉन्स्टर्स बनाए उस रेड डायरी तक पहुंचने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। And let me tell you one thing, रणधीर को हराना या फिर उस रेड डायरी तक पहुंचना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अब तक ये तो तुम जान ही गई होगी कि रणधीर कितना स्मार्ट है। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। अगर तुम छूट भी गई ना तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाओगे। ये चश्मे देख रही हो, इस पे मैंने एक स्पेशल फिल्टर लगा दिया है, तुम्हारा ये वशीकरण भी हमारे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। आई नो,
ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रणधीर को अकेले हराना इम्पॉसिबल है, और इसीलिए मैंने आप दोनों को जेल से छुड़वाया था कमिश्नर को हिप्नोटाइज करके, ताकि हम उस रत्न तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। बहुत खूब, तो मैं ये समझ लूं कि तुम हमारे साथ हो। मैं भी आप सबके साथ हूं, क्योंकि रणधीर उस रत्न को पाने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि वो रत्न ही एक जरिया है जिससे अमृता की मेमोरी वापस आ सकती है, और वो मैं नहीं मानूंगा। बहुत मुश्किल से अमृता मुझे मिली है, अब मैं उसे अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं भी चाहता हूं कि अब दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स हमें मिले और हम कभी जिंदगी में अलग ना हो। आई लव यू। कहा था ना तुझे अमृता से दूर रहने के लिए, अमृता के पास आने की दोबारा तूने कोशिश भी की, छोड़ूंगा नहीं। अंश, और ये लोगों ने तुम्हारे दिमाग में ये सब गलत चीजें डाली हैं। अंश तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, मैं हूं तुम्हारा हस्बैंड। मैं और तुम हम हैं अमृता। अंश मेरे पति हैं, फिर भी रणधीर के लिए मुझ में ये फीलिंग्स क्यों है? क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब जब भी वो मेरे करीब आता है तो क्या हो रहा है मेरे साथ? देख, आज भी ना साइंस के पास हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन एक चीज के पास है, प्यार। प्यार के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। अमृता की मेमोरी भी वापस लाने का सिर्फ एक ही सलूशन है, प्यार। प्यार? और कैसे? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब तुम मेरे करीब होते हो, जब तुम मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हो, जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तो मुझे अपनापन लगता है। देख, अभी जो कुछ हम दोनों के साथ अंदर हुआ ना, उससे एक बात तो तय हो गई यार, कि अभी भी अमृता के दिमाग में हमारी मेमोरी जिंदा है। पता है क्यों? क्योंकि देख, ब्रेन के एक पार्ट में ना मेमोरीज होती है और दूसरे पार्ट में फीलिंग्स। मैं फीलिंग्स है कि मेमोरीज को एक्टिवेट करना चाहता हूँ। इतना तो मैं जानता हूँ यार कि अमृता आज भी मुझे चाहती है, उसके अंदर अभी भी फीलिंग्स है, बस उसे उसका एहसास दिलाना चाहता हूँ। Listen, मैं आपका वो इमोशनल पार्ट, मैं वो सब समझता हूँ, ठीक है? मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन जो आप कह रहे हो ना सर, वो उसको ऐसे करने में बहुत टाइम लगेगा ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आई नो बेबी, आई नो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बट मुझे पूरा भरोसा है यार कि अमृता की मेमोरी वापस आ जाएगी। देख, मुझे ना अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से उस अश्वत्थामा के रत्न में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। गोविंद अंकल, जिया, दिशा, पता नहीं और कितने लोग अपने फायदे के लिए उस रत्न को हासिल करना चाहते हैं। मुझे तो इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं है यार। इनफैक्ट आज ही ये लड़ाई खत्म कर दूंगा मैं। और ये आप करोगे कैसे? तो चल मेरे साथ, बताता हूँ। वेरी गुड दिशा, सबसे पहले हमें रणधीर से उस मैप का दूसरा हिस्सा हासिल करना होगा, क्योंकि पहला हिस्सा तो तुम्हारे पास है, और जब हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे तब हमें उस जगह का रास्ता मिल जाएगा जहाँ उस रत्न को छिपाया गया है, और फिर जीत हमारी। Oh God, Dad, it's so stressful. रेड डायरी को ढूंढते ढूंढते इतने साल हो गए, अब उस मैप के चक्कर में पूरी जिंदगी ना निकल जाए। पता चला आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी लगे हुए हैं ढूंढने में। क्यों दी? Just shut up. वैसे रणधीर के घर का कोना कोना छान लिया है मैंने, बस उसकी लैब बाकी है। वो रणधीर की लैब है। रणधीर की तरह उस लैब भी एक पजल है। Looking for things in that lab is not easy. Yeah, he is right. कुछ दिन पहले हमने उसकी लैब में कैमरास लगाए थे रणधीर पर नजर रखने के लिए, लेकिन उसे कंप्यूटर्स ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और ब्लॉक कर दिया। रणधीर के सारे सीक्रेट्स उसी लैब में छुपे हैं, and I'm sure हमें मैप का हिस्सा उधर से ही मिलेगा। तो देर किस बात की? Let's go. रणधीर के वहां पे पहुंचने से पहले हमें वहां पे पहुंचना होगा। रणधीर लैब नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आज ही मैं उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि मेरे और अमृता के बीच में अगर कोई आने वाला है तो वो है रणधीर, और इस कांटे को मैं अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा।
आराम से जाके लैब को सर्च करो। I'll take care of Randhir. मैं उस मैप को जला दूंगा बीबी, ना ही वो मैप रहेगा और ना ही कोई लड़ाई। मैं अपने प्यार से अमृता को ठीक करूंगा, पर अपनी स्किल्स, अपने दिमाग, अपने नॉलेज से अंश को, दोनों को ठीक कर दूंगा मैं। कहाँ फंस गई हूँ? क्या सच है, क्या झूठ, कुछ पता नहीं चल रहा। दिल कुछ कहता है तो दिमाग कुछ कहता है, किसकी सुनूं, दिल की या दिमाग की? कोई तो मेरी मदद करते, मैं किससे पूछूं? ये क्या हुआ? एक मिनट, मैं चेक करता हूं, रुक। ओह माय गॉड बेबी, कोई लैब का कोड ब्रेक करके अंदर घुसा है यार, कौन हो सकता है? यार ये टायर को भी अभी पंचर होना था। सर वो मैप, सर अभी जल्दी कर जाना होगा। मैं एक बार गाड़ी चेक करता हूं। प्लान तो तुम दोनों यहाँ आए हो हम दोनों को बिजी रखने के लिए, ताकि लैब में वो मैप कोई इजीली चुरा सके। वेरी नाइस। कम ऑन, चल 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 चल। यू आर राइट, रणधीर की लैब किसी पजल से कम नहीं है। जो चीज जहाँ दिखती है वहाँ होती नहीं है। आई एम श्योर उसने मैप कहीं ऐसी जगह छुपाया होगा जहाँ ढूंढना इजी नहीं होगा। आई नो, इसलिए बातें कम और काम ज्यादा। ध्यान से देखो, कुछ तो होगा, कोई सीक्रेट कोड्स, कोई सीक्रेट रूम, कुछ पैसेज। राइट, एक एक कोना चेक करना होगा। लेट्स स्टार्ट। जाम कैसे हो गया?
अंश प्लीज प्लीज रुक जा यार। मैंने भी कहा था ना मुझे मजबूर मत करना, पर तू नहीं माना। इन हाथों ने तेरी जान बचाई थी रणधीर, अब यही हाथ तेरी जान लेंगे। और आज तुझे हैवान नहीं मारेगा, तुझे मैं मारूंगा अपने असली रूप में। सीक्रेट कोड्स मांग रहा है। हैक हो गया। इसी डायरी में मैप मिलेगा। मैंने रणधीर को सीसीटीवी फुटेज में देखा था इसमें से मैप निकालते हुए। इसके कवर में देखो। आर यू श्योर कि मैप यहीं पर है? आई नो इट। देखने दो मुझे। तेरा किस्सा खत्म रणधीर, आज से तू मेरी और अमृता की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। चला जाएगा। अंश, तुम रणधीर को कुछ नहीं करोगे, इसको जिंदा रहना बहुत जरूरी है। डायरी में मैप नहीं मिला है, सिर्फ रणधीर जानता है कि मैप कहाँ है। अंश, आर यू लिसनिंग? अंश, अंश, मैप रेड डायरी से निकाल के कहां छुपाया तूने, बोल। वो मैप मेरे पास ही है और मैं तुझे उसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा। तुझे मुझे मारना है तो मार दे। कम ऑन, किल मी, मार। आज तो तू बच गया रणधीर, तेरे जिंदा रहने में कुछ दिन कुछ घंटे बचे हैं, ले ले अपनी आखिरी सांसें। पर एक बात याद रखियो, तुझे मैं ही मारूंगा। सर, आर यू फाइन? हाँ मैं ठीक हूँ बेबी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सर प्रॉब्लम का क्या, उससे तो हमारा पुराना कनेक्शन है। हाँ अब बताओ, अभी क्या हुआ है? मैंने अंश को झूठ कहा था, वो मैप मेरे पास नहीं है। दिशा जिया किसी को मिला नहीं, इसका मतलब है कि वो मैप लैब से चोरी हो गया है। इट्स वेरी डेंजरस, पता नहीं वो मैप कहाँ चला गया, उसे ढूंढना होगा।